हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं स्क्रू गेज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है स्क्रू गेज गिव्स फॉलोइंग रीडिंग यूज्ड टू मेजर डायमीटर ऑफ अ वायर। मेन स्केल रीडिंग है 0 mm की, नोट कर लिया। सर्कुलर स्केल रीडिंग है 52 डिवीजन्स के, तो सर्कुलर स्केल में आपके पास 52 डिवीजन्स हैं, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी? सर्कुलर स्केल की रीडिंग होती है डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, ठीक है। और हमको यहाँ पे पिच दिया है, गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो 1 mm ये मेन स्केल का पर रीडिंग, एक डिवीजन की रीडिंग 1 mm है और 100 डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, सो टोटल डिवीजन्स सर्कुलर स्केल में उसमें 100 डिवीजन्स हैं, ठीक है। तो ये जो एक डिवीजन होती है मेन स्केल की, उसी को हम पिच कहते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। पहले लीस्ट काउंट क्या होता है, जो आपके पास पिच है उसको डिवाइड कर दो आप टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन से, और टोटल आपके पास सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन्स हैं। कितने डिवीजन्स हैं, 100 डिवीजन्स हैं, तो टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन्स हैं 100। लीस्ट काउंट निकालेंगे, पिच 1 अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो यहाँ से लीस्ट काउंट आएगा 0.01 mm का, ठीक है। लीस्ट काउंट आ गया तो सर्कुलर स्केल रीडिंग भी आ जाएगी। एक डिवीजन 0.01 mm का है, तो 52 डिवीजन्स कितने के होंगे, 52 × 0.01 mm के होंगे, तो ये सर्कुलर स्केल रीडिंग भी आ गई अपने पास। अब टोटल रीडिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर तो यहाँ है नहीं, मेन स्केल रीडिंग 0 है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.52 है, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.052 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।